शकरपुर में 60 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स, करीब आधे से ज्यादा के पास नहीं है एनओसी। पार्षद ने कहा फायर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मिलना चाहिए टाइम। विकास मार्ग की दुश्वारियां, सड़कों पर रहती गंदगी, भीड़ और जाम, सालों से चल रहा सौंदर्यीकरण का काम अब तक अधूरा। G20 बैठक के मद्देनजर कार्रवाई, झिलमिल इलाके से हटाई गई कई झुग्गियां, लोगों की शिकायत, नहीं दिया गया कोई नोटिस। AATS टीम ने एक ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार, कल्याणपुरी इलाके में चोरी के वाहन बेचने आया था आरोपी। आरोपी से चोरी के 3 वाहन, मोबाइल और मास्टर की बरामद। विवेक विहार प्लेटफॉर्म से महिला लापता, दवा लेने के लिए निकली थी घर से, लापता महिला है ज्वालानगर की रहने वाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास, मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के पास अगर फायर एनओसी नहीं है तो उन्हें बंद किया जाएगा। इसे लेकर एमसीडी अब कड़े कदम भी उठाएगी। CCN के संवाददाता एहरार चौधरी ने इस मुद्दे पर शकरपुर के पार्षद रामकिशोर शर्मा से बात की। उनका कहना है कि उनके इलाके में भी लगभग 60 कोचिंग सेंटर्स हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा के पास एनओसी सर्टिफिकेट नहीं है। कोचिंग सेंटर्स के संचालक उनसे मिले हैं और उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा है। पार्षद रामकिशोर शर्मा का कहना है कि उच्च न्यायालय को कोचिंग सेंटर्स के संचालकों को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वे अपना फायर सर्टिफिकेट बनवा लें। इसके बाद भी जो एनओसी नहीं ले पाते उनके कोचिंग सेंटर्स को बंद कर देना चाहिए। माननीय न्यायालय से ये कहना चाहता हूँ, इन सभी इंस्टीट्यूट्स को, कोचिंग सेंटर्स को आपको समय देना पड़ेगा और उसमें ये अपनी सारी औपचारिकताएं, जितनी भी औपचारिकताएं उनको पूरा करें और उसके बाद चलाएं। लेकिन हम माननीय न्यायालय का आदेश का सम्मान करते हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि बच्चों के जान माल की रक्षा होनी चाहिए। विकास मार्ग काफी व्यस्त रहने वाला एरिया है, यहाँ हर समय जाम लगता है, भीड़ भाड़ रहती है, साथ ही यहाँ सालों से चल रहा सौंदर्यीकरण का काम अब भी अधूरा है। ऐसे में यहाँ गंदगी का फैला होना आम बात हो गई है। दरअसल यहाँ सड़कों के किनारे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पहले कई जगहों पर बड़े बड़े कूड़े के कंटेनर रखे थे, जिनमें स्थानीय लोग और दुकानदार कूड़ा डालते थे। अब इन कंटेनर्स को यहाँ से हटा दिया गया है। इस वजह से अब लोग यहाँ कूड़ा यूं ही खुले में सड़कों पर फेंक जाते हैं। इतना ही नहीं, इमारतों की रिपेयरिंग के समय निकला मलबा भी यहीं फेंक दिया जाता है, इससे यहाँ और ज्यादा गंदगी रहती है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि यहाँ से कई कई दिनों तक कूड़ा उठाया नहीं जाता, इस वजह से यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। तो गंदगी जो है वो हटा देते हैं मैम, लेकिन जो है बाहरी लोग आके फेंक जाते हैं। अब जो है सफाई वाले कितना करेंगे, वो अपना जो है काम करे, सुबह हटा दिए। अच्छा। वो जाने वाले फेंक के चले जाते हैं, कोई देखने वाला तो है नहीं। अब नहीं है, अब हटा दिए गए सारे कंटेनर, इधर से वहाँ तक सब कोई कंटेनर नहीं मिलेगा अब। ये यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर जो MCD वाला जो बॉक्स वगैरह रखे वो सारे बॉक्स हटा दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ कहीं डस्ट फेंकने के लिए कोई जगह यहाँ नहीं बचा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी दिक्कत होती है। अभी मालूम नहीं क्यों MCD ने हटा दिया है, और जो भी कचरा होता है लोग रोड पर ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रही है। नहीं, बहुत पहले उठता था जब बॉक्स लगा हुआ था, बॉक्स हट गया इसलिए और दिक्कत होती है, और नहीं उठ वैसे ही पड़ा हुआ है कूड़ा। गंदगी तो रहवे करता है, जब हटा दिया तो रहने कोई अभी नहीं आता है, ले जाता है कूड़ा रात गीला वाला था उठा के लेके चल जाता है, सब आपने वहाँ फेंक डाल देता है। कहीं ना रोड का कूड़ा सा गली में डाल जाता है, लोग आके यहाँ पर किसी मोहल्ले के पॉलीथिन ला ला के अपना पॉलीथिन पकड़ पकड़ के अपने घरों का कूड़ा, कोई हमारे ऑफिस के आगे, कोई यहाँ गली में, सब फेंक के चले जाते हैं। बारिश आती है, दिक्कत तो होती है ना, मच्छर है। रोड पर तो बहुत कूड़ा फेंका जाता था पहले, लोग पन्निया सब डब्बे तो भर जाते थे, डब्बे तो ओवरफ्लो हो जाते थे, फिर तो पन्निया उनिया कूड़ा तो सड़क पर आएगा, इसलिए उन्होंने हटा दिए डब्बे पे, कूड़ा घर का कोई फिलहाल तो हटा दिए। G20 की तैयारियां जोरों पर हैं, पूर्वी दिल्ली में भी इसे लेकर जगह जगह अलग अलग काम किए जा रहे हैं। कहीं तारें उखाड़ी जा रही हैं, तो कहीं रेहड़ी पटरियां हटाई जा रही हैं, तो कहीं सालों से बनी हुई झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। झिलमिल इलाके में भी
कई सालों से बनी कई झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। इसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें इससे संबंधित कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि वे यहाँ सालों से रह रहे हैं और अब अचानक से उनके घर तोड़ दिए गए हैं। सरकार गरीबों को कोई सहूलियत तो नहीं देती, बल्कि उनके सर से छत भी छीन रही है। नोटिस दिया है इन लोगों ने, ना ही कुछ दिया है। आए हैं, आने के बाद में डायरेक्ट इन्होंने सामान का भी मौका नहीं दिया है। सारा सामान हमारे यहाँ भरा हुआ है, बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने हमारा बिल्कुल भी सामान निकालने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। आके बिल्डोजर फौरन चढ़ा दिया और एक पुलिस वाले ने हमसे बदतमीजी भी करी है, चश्मा लगा रखा था और उल्टी सीधी हरकत कर दिया था। वो मतलब ना बाजू जू वो करके हमें पीछे वो करा और बदतमीज से बोला भी वो हमें। पाँच दिन का टाइम देते हैं तो हम अपना सामान कहीं कर तो लेते थोड़ा बहुत। हमारी पड़ोसी आंटी है, इनसे पूछो हमारी क्या किया गया। अभी क्योंकि इनकी थी तो कम से कम इनको बताया जाता, महीना दो महीने चार महीने पहले। कह रहा हमने तो एक साल से कंप्लेन करी है, फिर हमको कंप्लेन करी है तो उसकी रिसीट दिखाओ भाई, रसीद दिखाओ कौन सी कंप्लेन मेरी जो कंप्लेंट करी है। हाँ, और इतना पुरातन चल रहा है हमारे साथ, इतने सारे पुलिस, इतने सारे लोग एमसीडी के मीटर वीटर सब ले गए। पूर्वी दिल्ली की एएटीएस टीम ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक मास्टर की, एक चोरी की मोटरसाइकिल, दो स्कूटी और एक चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान कल्याणपुरी के रहने वाले 22 साल के अनमोल सिंह के रूप में हुई है। वह पढ़ा लिखा नहीं है और कल्याणपुरी इलाके के एक रॉबरी केस में उसके शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ऑटो लिफ्टर कल्याणपुरी डीटीसी बस टर्मिनल के पास चिल्ला बाईपास रोड की ओर एक चोरी की मोटरसाइकिल बेचने आ रहा है, जिसके पास से कई चोरी के वाहन बरामद हो सकते हैं। यहां एएटीएस की एक टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपी अनमोल सिंह को एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया। बाइक मधुविहार पुलिस स्टेशन इलाके से चोरी की पाई गई। तलाशी में चोरी का एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने खुद के ऑटो लिफ्टर होने और पहले कल्याणपुरी थाना इलाके की एक डकैती के मामले में शामिल होने का खुलासा किया। इसके अलावा आरोपी की निशानदेही पर कल्याणवास कल्याणपुरी के सामने मेट्रो पिलर के पास से दो और चोरी की स्कूटी बरामद की गई। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली है। शिकायतकर्ता मुकेश ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी 18 तारीख को घर से यह कहकर निकली थी कि वे दवाई लेने जा रही हैं, लेकिन उसके बाद से वह घर नहीं लौटी। महिला का नाम तन्वी बताया जा रहा है। वह 34 साल की हैं और ज्वालानगर शाहदरा की रहने वाली हैं। महिला की शादी को 15 साल हुए हैं। उनके दो बच्चे हैं जिनमें बड़ी बेटी की उम्र 9 साल और 2 साल का बेटा है। सर, वो 18 तारीख को मुझसे ये कह के गई थी कि मेरे पेट में पेन दर्द हो रहा है और मैं फर्श बाजार से अपने सेंटर से दवाई लेके आ रही हूँ। उसके बाद से उसका कुछ नहीं पता। तो क्या घर से कोई सामान भी गायब है? नहीं, घर से कुछ भी गायब नहीं है। बाकायदा वो मेरे से 110 रुपये लेके गई थी और उसने ये कहा था कि मैं छोले ले आऊँगी और घर पे पराठे वराठे भी बना गई थी। ऐसी कोई बात नहीं थी, बस जब से ही गायब है वो। क्या नाम है आपकी वाइफ का? मेरी वाइफ का नाम तन्वी है। कितनी उम्र है उनकी? एज है 34। 34 जी। दवाई लेके आया था तो घर आके देखा तो ये पता लगा कि वो दवाई लेकर, दोपहर को हमने इंतजार करा, अब तक आई नहीं है। फिर हमने इसको कहा भाई उनके घर चल, घर पर देख ले जाके, वहाँ भी नहीं पता चला। ऋषभ विहार मार्केट में कई जगह सीवर ओवरफ्लो की समस्या है। इसकी वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है, साथ ही बदबू से भी लोग परेशान हैं। ऐसे में यहाँ मच्छर भी पनप रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ कभी भी सीवर की सफाई समय पर नहीं होती, इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये भी सफाई कौन करेगा या नहीं? ये देखो कि गद्दी वाड़ा, आप देखो, आप लोग खुद ही देख लो, हमारे को क्या बताने की जरूरत है। दिक्कत है पूरी, पूरा पानी भर गया कल, यहाँ पूरा रोड पूरा ऐसे ही हो गया था। हाँ बिल्कुल, पानी भर जाता है, सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, पूरी मार्केट के हो रखे हैं। बहुत ज़्यादा है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता यहाँ पे कोई, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद देख लो ना, एरिया देख लो, आगे देखो पूरी गंदगी, पार्क में पूरे मच्छर ही मच्छर है हर जगह आसपास, बहुत ज़्यादा आती है। जरा सी बारिश पड़ जाती है यहाँ बाइक निकल पाती। मैं तो यहीं पास में रहता हूँ, मैं तो देखता ही नहीं कभी भी, हफ्ते दो महीने में कभी हो जाते एक अलग बात है, कर्मचारी वगैरह आगे झाड़ू लगा जाते एक अलग बात। 15 अगस्त, G20 समिट, रक्षाबंधन, मुहर्रम और गणेशोत्सव जैसे कई आयोजन और त्यौहार आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। इनके मद्देनज़र शाहदरा के कम्युनिटी सेंटर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें तमाम RWA, MWA के सदस्य और कई अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में SHO, ACP और DCP भी मौजूद रहे। इस दौरान त्योहारों के समय सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया गया। इसमें लोगों ने DCP रोहित मीणा के सामने अपनी अपनी समस्याएँ रखीं। पब्लिक की जो भी समस्याएं थी वो हमने
ज़्यादा समस्या नहीं रखी, और जो भी रिलेटेड इश्यूज़ थे हमारे से या हमारे डिपार्टमेंट के, तो हमने सबको डायरेक्शंस दे दिए हैं और उन पर हम पे टाइम बाउंड कार्रवाई करवा रहे हैं। साथ ही साथ मुहर्रम को देखते हुए, आने वाले त्यौहारों को देखते हुए, हम लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और एरिया में एएस चेक करा रहे हैं। साथ ही साथ एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमारी बाइक्स लगातार एरिया में घूम रही हैं, ताकि हम और हमने पुख्ता इंतजाम का भी अरेंजमेंट किया है ये त्यौहारों को देखते हुए, ताकि हम अच्छे से ये जो शांति प्रिय ढंग से त्यौहार मना सकें। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, तमाम SHOs के साथ, DCPs के साथ और ACPs के साथ आज यहाँ पे समाज के सभी धर्मों के लोगों का आज मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई, जैसे कि हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। अब जैसे कि अभी रक्षाबंधन, उससे पहले मुहर्रम आ रहा है, फिर सबसे बड़ा हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो इस अवसर पर कहीं ना कहीं जब भीड़ भाड़ होती है तो शरारती तत्व भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं, समाज का आपसी भाईचारा ख़राब करने वाले लोग भी इसमें एक्टिव हो जाते हैं, और जब जहां स्वतंत्रता दिवस की बात आती है तो कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं के लेकर के भी जो है हमेशा आशंका और एक भय बना रहता है, तो उसको लेके ये अकेले ना तो पुलिस के बस की है, ना अकेले समाज के बस की है। पुलिस और पब्लिक का कोऑर्डिनेशन के लिए आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई, और हमारा जो ये एरिया है गीता कॉलोनी पुश्ते से लेकर और जहाँ हमारा हद है कैलाश नगर तक, सारा वो एरिया ऐसा है कि उसको बिल्कुल रोक दिया जाएगा। और उसी दौरान ये होगा कि 15 अगस्त की पतंगे भी ना उड़ाएं जब तक हमारे महामहिम प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नहीं हो जाती, फिर रक्षाबंधन का है, फिर जन्माष्टमी है, तो उसी के उपलक्ष्य में यह मीटिंग बुलाई गई है। मयूर विहार यमुना खादर बाढ़ राहत शिविर में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुँचा। इस प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, प्रवक्ता अनुज आत्रेय और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। राहत शिविर में सबसे पहले कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान से लोगों को भोजन वितरण कराया, उसके बाद बाढ़ पीड़ितों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 10,000 का मुआवजा देने का जो ऐलान किया था, वह भी अब तक नहीं मिला। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन फेल हो गया है, फिर चाहे वह दिल्ली सरकार का हो या केंद्र सरकार का। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि हमारी कांग्रेस की रसोई और मोहब्बत की दुकान पिछले 10 दिनों से यहां चल रही है। अगर कांग्रेस ने यहां फ्लाईओवर नहीं बनाए होते तो इनके नीचे बैठे इन लोगों के सर पर छत भी नहीं होती। इन पार्टियों ने दिखाने के लिए अपने अपने टेंट लगा तो दिए हैं, लेकिन उनमें न खाना है, न पानी, न ही चिकित्सा सुविधाएँ। बाढ़ पीड़ितों को देख के और जो प्रकार की यहाँ हमारे कांग्रेस वर्करों ने तो व्यवस्था की है, मगर जो है पूरे दिल्ली में जो चित्र आ रहा है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता में ये दोनों इंजन फेल हो गए, एक दिल्ली का इंजन और ये आपका दूसरा केंद्र सरकार का नई दिल्ली का इंजन, दोनों इंजन फेल हो गए हैं और दोनों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर ये आम प्रजा हैं, गरीब लोग हैं जो ये यमुना के तट में बस रहे हैं, जो गरीब सबसे गरीब लोग हैं वो यहाँ इसी प्रकार की जगह पे बसते हैं, उनकी सहायता के लिए उनको, लोगों के पास ना तो समय है ना तो फंड है, ना यहाँ तो टेंट है, ना यहाँ राशन है, ना जो अभी तक अनाउंस हुई है मदद वो दी गई है। ये मैं माँ बहनें बता देंगे, इनसे पूछिए, ये खुले में बैठे, ये फ्लाईओवर शिलाजी ने बनाए थे, ये फ्लाईओवर नहीं होते तो शायद इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। सिर्फ मुंह दिखाने के लिए कुछ यहाँ पर टेंट गाड़ दिए गए जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है। आज खाने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, बीमारी फैल रही है। तो सवाल ये उठता है, जिन प्रतिनिधियों को जनता चुनती है वो प्रतिनिधि घर जाके बैठ गए, कोई जेल में बैठा है तो इनका ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए हम घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और जो इनका अधिकार है वो मिलना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।